हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HDS इन्वेंशन में। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपने इस बाइक को अपग्रेड, जो कि ये मिनी बाइक। मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाई थी कि हमने ये कैसे बनाया है, तो अब मैं इसको करने जा रहा हूँ अपग्रेड। पहले मैंने इसे बहुत सी देसी से जुगाड़ से रखा हुआ था, और जो टंकी थी वो भी मैंने पुरानी सी लगाई हुई थी। तो आज हमने, आप देख सकते हैं कि ये हमने टंकी बना ली है, और इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है पहले। और उसके बाद ये मैंने इसके लिए शो बनाई है इस बाइक पे लगाने के लिए, तो इसे आज हम लगाएंगे। और ये सलंसर भी हमने छोटा सा बना लिया है, इनके ऊपर हमने कलर के ये हमने इस बोर्ड के साथ बनाए हैं। ये फोम वाला एक छोटा सा गत्ता होता है, उससे हमने ये सभी तैयार किए हैं। तो चलिए अब हम इस बाइक के ऊपर लगाते हैं। और जो मेन बात है, इस पर हमने ये बुलेट बाइक वाला हवा हैंडल लगा दिया है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हैंडल है। तो अब इसे करते हैं अपग्रेड, और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सारी जानकारी। तो चलिए इसे अब सारा ये पुर्जे इसके ऊपर लगाते हैं। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे ये ऑयल के लिए टैंकी, जो कि मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाई है अपने चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लगाने के लिए बनाई है, आप देख सकते हैं। ऐसे हम ऐसे फिट करेंगे। तो इसे लगाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फ्लेक्स क्विक का, जो कि एक तरह का 5 क्विक होता है। इसे मैं ब्लैक थ्रेड के साथ बांध रहा हूँ, ये काफी मजबूत थ्रेड है। अब हम इसमें डालते हैं पेट्रोल, तो देखते हैं इसे चलाकर। देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार लग रहा है हमारा बाइक। तो बोल्ट का हैंडल है इसमें, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आपने इसे पहले नहीं देखा कि ये पहले कैसा दिखता था और हमने इसे कैसे बनाया है, तो आपको वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से चेक कर लेना। तो अब हम इसे स्टार्ट करके देखेंगे, और उसके बाद अगली वीडियो हम इसको लेकर जाएंगे पब्लिक में, और वहाँ पर चलाएँगे मेन रोड के ऊपर। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम अपने तेल को यहाँ से ऑन कर लेते हैं, और ये जो स्विच है इसे भी ऑन कर लेते हैं।
और चौक लगा लेते हैं क्योंकि ठंड का मौसम है, मोटरसाइकिल का इंजन को थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा। मैं 1 2 3 तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा बाइक बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है और इसकी साउंड भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।